दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए एक सीलिंग फ़ैन लाया हूँ। और इसमें जब आप वायरिंग डालते हो तो सीट कटी रहती है, तो आपको काफ़ी दिक्कत रहती है उसमें वो टक उठाने के लिए या उसे सीट को सेव करने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने इसकी सीट बिठाई है, वो टक उठाई है इसमें रेती से और मेरी कोई वाइंडिंग नहीं कटी बिल्कुल भी। तो ये देखें, तो ये बिल्कुल नहीं कटी। आप दोनों तरफ की इसी तरीके से लगा सकते हो, बाइंडिंग ज़्यादातर कट जाती है आप लोगों की। आप देखते होंगे, ध्यान दिया हो, कभी दिक्कत होती है तो उसके लिए, दिक्कत परेशानी के लिए मैं आपके लिए प्लेट लेकर आया हूँ। ये मैंने टक उठा के देखे, देखे इसमें बड़ी बड़ी टक उठे हुए हैं, रेती से उठाए मैंने। जब हम रेती को मारते हैं तो हमारी ज़्यादातर बाइंडिंग पर लग जाती है और तार कट जाती है, फिर हमें दिक्कत काफ़ी होती है। तो ये देखें, मैंने एक प्लेट बनाई है, आप लोहे की काय की भी प्लेट बना के बीच में छेद करके और इस तरीके से लगा सकते हो, ये देखें। और फिर उसके बाद आप इस तरीके से टक उठा सकते हो। आपका ये बाइंडिंग में भी, जो प्लेट पे भी लगेगा तो प्लेट बाइंडिंग में कोई नुकसान नहीं करेगी। ये देखें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से हम टक उठा सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती टक उठाने में। ये देखें कितने आराम से टक हमारे उठ रहे हैं और हमारी बाइंडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये देखें, इस तरीके आप एक प्लेट बना सकते हो बीच में सुराख करके, कैसे किसी भी तरीके के पंखे में आप अच्छे तरीके से टक उठा सकते हो बिना बाइंडिंग कटे, बिना बाइंडिंग को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये दिक्कत काफ़ी लोगों की रहती थी। इस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है, आपके लिए लेकर आए हैं।